सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हम इजीली टाउन 10 में डार्क हेलिक्स इजीली फार्म कर सकते हैं। और गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज 1 जनवरी 2020 है, तो मतलब हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस, मे दिस ईयर ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस, आज हम बहुत सारे मैसिव अपडेट्स भी करने वाले हैं और थोड़ा टाउन 10 की स्ट्रेटजीज के बारे में बात भी करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ क्वीन वॉक माइनर के बारे में, पर मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो सडनली डिलीट हो गई। उसमें मैंने अपनी आर्चर क्वीन को लेवल 19 से लेवल 20 तक अपग्रेड करा बुक ऑफ हीरोज़ के इस्तेमाल से, क्योंकि अभी सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, तो इससे मुझे बहुत सारा मतलब लूट मिला था। जैसे कि जैसे आप पर्क्स देख सकते हो, जो सीज़न बैंक में मतलब फुल हो गया था मेरा, तो मुझे मिला था वो, तो मतलब 50 लाख गोल्ड एलिक्सर बोथ एंड 5000 डार्क एलिक्सर, 50,000 डार्क एलिक्सर मुझे मिला था। और वो मैंने पूरा अपनी क्वीन के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, उसको लेवल 20 कर दिया ताकि वो लेवल 20 की हो जाए। और मैं अब बात करने वाला हूँ टाउन 10 की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज की उसमें। तो गाइस, मैं आ गया आपको अटैक में लेके। तो गाइस, पहले हम अटैक में फोकस करते हैं कि मैंने क्या क्या मतलब मैंने चीज़ें ली है। तो गाइस, हमने लिए 3 archers 1 wizard 2 healer, एक पैका 27 minus 3 bowlers एंड बाबे ने आर्चर क्वीन। और गाइस, स्पेल्स की बात करें तो 4 healing spell लिए हैं और एक रेज स्पेल लिया है और एक फीट स्पेल लिया है। गाइस, मैंने बोलर्स इसलिए मतलब मैंने मतलब लिए ही नहीं थी, मतलब मेरे मतलब गलती से मतलब मेरे आर्मी कैम में आ गए थे, मतलब डोनेट करके मतलब कुछ हो जाता है, मतलब थोड़ा वो हो जाता है, तो इसलिए वो आ गए थे। वरना आप बोलर के बजाय आप उसमें माइनर्स भी रख सकते हो मतलब। और पैका गाइस मैंने इसलिए लिया है, ये फनलिंग में काम आता है। और बार्बेरियन किंग एंड पैका, ये दो चीज़ें हैं जिससे हम फनल करेंगे एक साइड बेस की, जैसे आप नॉर्थ साइड या ईस्ट या वेस्ट या साउथ साइड आप मतलब फनल कर सकते हो, और फिर आप अपना माइनर छोड़ सकते हो। और मैंने क्वीन के लिए 2 healers रखे, क्योंकि छोटी सी मैंने क्वीन वॉक करनी है, मतलब क्वीन वॉक प्लस मैस माइनर्स हम इसको कह सकते हैं। तो गाइस, पहले हम अटैक में चल लेते हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, मैंने नॉर्थ साइड से अपना ये देख आप देख सकते हैं कि मैंने पैका छोड़ा और उसके उस साइड मैंने विजिट छोड़ा एक, ताकि उनका मतलब थोड़ा हेल्प कर दें। तो गाइस, एक ये चीज़ गड़बड़ होगी कि ये बाबे की दीवार के मैं जाट का, तो उसके मैंने ऊपर वाली साइड से मैंने अपनी आशुकून छोड़ी और 3 bowler मैंने आशुकून के साथ छोड़े। तो गाइस, अभी मतलब मस्त फनल बन गया था, लेकिन एक लॉस हुआ मुझे कि मेरा बाबे की वो मैं सर्वाइव नहीं कर पाया, और मैंने फिर यहाँ से मैंने माइनस अपने स्टार्ट किया। गाइस, माइनस टाउन 10 में बहुत ही ज़्यादा ओपी है। और गाइस, आई सजेस्ट करूँ कि आप जल्दी से जल्दी मैंने को लेवल 3 का करिए और उसको उसके साथ अटैक करिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक ज़्यादा टावर था, इसलिए मैंने वहाँ पे हीलिंग स्पेल रखा, और यहाँ पे हीरोज थे, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज स्पेल रखा यहाँ इस तरफ। और बहुत ही क्विकली मतलब 1 second के अंदर मैंने उसमें क्वीन और बाबेन क्वीन को निकाल लिया। मैंने वहाँ पे चीज भी ड्रॉप कराया था ताकि वो मेरे माइनस पर ज़्यादा डैमेज ना करे। और गाइस, एक बात है गाइस, कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट के ऊपर मतलब फोकस नहीं रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लूट के ऊपर फोकस रहना है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो उसमें मतलब मैसिव लूट की तरह लूट को मतलब भंडारा जैसे लूट हो रहा है ना, मतलब पानी आ गया हमें लूट को लेकर। तो गाइस, यहाँ पर मैं सोच रहा था कि एक हीलिंग स्पेल बचा के रखता यहाँ पर जो बॉम्ब टावर लोकेशन था वहाँ पर, लेकिन एक हीलिंग स्पेल मैंने दबाया। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि बस ये थोड़ा सा अब बेस बच्चा है, मतलब बताओ मतलब 3 star तो नहीं हो पाया। तो जैसे कि मैंने बताया गाइस कि आपको मतलब स्टार्स के ऊपर मतलब फोकस मत करो, बस लूट के ऊपर फोकस करो अगर आपको अभी अपनी फार्मिंग करनी है। तो गाइस, मैं जैसे इसको स्किप कर लेते हैं, मतलब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर उन्होंने बस क्वीन वॉक नहीं रही थी, और यहाँ पर मेरे हीलर्स को उन्होंने मार दिया था, मतलब एयर डिफेंस से मारा था। तो मैं अब आपको मैं दूसरे अटैक में लेके चलता हूँ जस्ट बिफोर वाइल। तो गाइस, चलते हैं एक और अटैक की तरफ। तो गाइस, मैंने एक अटैक करता 100% एलेक्स कामा कैमरे रेड्स के बारे ऊपर। तो इसमें मैंने मतलब फुली मैंने माइनर लिए हैं और मैंने बोलर्स एक बुनिया लिए। जैसे कि मैं आपको अपना आर्मी कंपोजिशन दिखा सकता हूँ कि एक पैका
31 माइनर्स, दो हीलर्स और एक आर्चर, और सीसी के अंदर मैंने बोलर्स लिए थे जो मतलब माइनर माइनर्स को हेल्प करे। वैसे अगर आपके पास वॉल ब्रेकर हो तो मतलब बहुत ही मतलब कोर तक जाते हैं बोलर्स, और अगर आपने वहाँ कोर में बोलर्स पहुँचा दिए और रेस डाल दिए वहाँ, भाई तबाही है, पूरी खतरनाक तबाही है, मतलब कभी जहर। तो गाइज मतलब मैंने 1 मिनट 40 सेकेंड्स में मतलब ऑलमोस्ट मैंने अटैक कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने पहले ये आर्चर यहाँ पे छोड़ा था कि मैं चेक कर सकूँ किसी चीज़ के अंदर कुछ है तो नहीं, और इस साइड से मतलब साउथ साइड से मैंने फंडिंग करना शुरू किया, और इस टाइम मतलब मेरा फंडिंग बहुत सही गया मतलब बारबेरियन किंग। और गाइज लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई थी कि मेरी हीलर्स बारबेरियन किंग के ऊपर शिफ्ट हो गई थी। तो गाइज मेक श्योर कि अपने बारबेरियन किंग को क्वीन के साथ कभी भी मतलब उसको वो करें। तो गाइस अब यहाँ पे मतलब मैंने शुरुआत कर दी है, इस पोर्शन में मतलब बॉम्ब टावर था इसको मैंने अभी यहाँ पे शहर में हिल स्पेल हुआ ना, यहाँ पे आई थिंक एक हिल स्पेल वहाँ पे गया क्योंकि वहाँ बॉम्ब टावर और विजेट टावर दोनों थे इसलिए। और यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैंने एक हीलिंग स्पेल और एक रीच स्पेल रखा क्योंकि यहाँ पे कोर था, कोर में बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, तो इसलिए गाइस मैंने वहाँ पे एक हीलिंग स्पेल रखा। और गाइस आपको मतलब रश नहीं करना, मतलब एकदम से आपको हीलिंग स्पेल दबा देने, पेशेंस के साथ आपको अटैक करना है। और वहाँ पे जैसे मैंने एक हीलिंग स्पेल और मतलब मैंने प्लेस किया क्योंकि वहाँ पे आर्चर क्वीन भी थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज ले थे माइनस इसलिए। और गाइस ईजली ये बेस मतलब माइनस के साथ क्रश हो गया मतलब। और यहाँ पे मैंने एक फ्री स्पेल ऐसे ही मतलब मैंने छोड़ दिया, मतलब कि वैसे तो वही जाना था ये थ्री स्टार का, मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो गाइस आप देख सकते हो कितने ओपी है माइनस लेवल 3 माइनस का लव इन एंड पी पर। तो गाइस बस ये बेस कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी एक ऑसम थ्री स्टार था जो। तो गाइस आप लूट देख सकते हो कि मैं कितनी की ज़्यादा लूट ले रहा हूँ मैं। एक और आपको दिखा देता हूँ एक और रिकैप कि 6 लाख गोल्ड, 6 लाख एलिक्सर और 4000 मतलब डार्क एलिक्सर, मतलब किसके मुंह में पानी नहीं आएगा भाई ऐसी लूट को देख के। और जो दूसरा अटैक मैंने जो 73% करा, 7 लाख गोल्ड, 6 लाख मतलब एलिक्सर और 8000 डार्क एलिक्सर। गाइस सोचो 8000 बहुत वैसा होता है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतने, अरे हाँ अपग्रेड्स तो करना भूल ही गए। तो गाइस मैं सोचता मैं अपग्रेड्स हम क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ मैसेज अपग्रेड्स करने होंगे हमें। तो गाइस पहले मैं सोच रखी था कि कुछ मैं अपने एलिक्सर से कुछ करूं, तो मैं सोचा था डार्क स्पेल फैक्ट्री सही रहेगा क्योंकि इससे हमारा बैड स्पेल भी अनलॉक हो जाएगा। और हमारे पास एक बुक ऑफ बिल्डिंग है, सो व्हाई नॉट इन्वेस्टेड गाइस। स्पेल मतलब स्पेल भाई नहीं कर पाऊंगा मैं डार्क स्पेल, और डार्क स्पेल मतलब मुझे कोई कभी पॉइजन स्पेल कभी हे स्पेल ले ही लेता हूँ मैं, तो इसलिए अभी इसको फिनिश करते हैं इन 3, 2, 1। और अब हो गया हमारा बैड स्पेल, सॉरी गाइस अब हो गया हमारा बैड स्पेल अनलॉक्ड। और देखते हैं अगर मैं बैड स्पेल के ऊपर कुछ स्ट्रेटेजीज बना पाऊंगा। लेकिन अभी एक गोल्ड के ऊपर मैं बिल्डिंग एक अपग्रेड करनी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन से अपग्रेड करूँ। तो एक काम करते हैं कि इस इन्फर्नो टावर को भी अपग्रेड करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा गोल्ड है और क्या करना भी इतने गोल्ड का, तो इसको अपग्रेड करता हूँ। लेकिन मेरा एक और इन्फर्नो टावर अपग्रेड में कोई नहीं कर ही देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही बिल्डर है, और अगर और बिल्डर होते तो मैं और कर देता। तो गाइस इन्फर्नो टावर इन 3, 2, 1 बैम। तो गाइस आज की वीडियोस के लिए वीडियो के लिए इतना ही। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, अगर आप नए हो चैनल पे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपके लिए डार्क एलिक्सर फार्मिंग स्ट्रेटेजी लाया था मैस माइनस और आर्चर क्वीन वॉक के साथ, और शायद फ्यूचर में और स्ट्रेटेजीज लाऊं मैं टाउन 10 के डार्क एलिक्सर फार्मिंग के ऊपर। तो गाइस स्टे ट्यून, इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उस घंटी को ज़रूर दबा देना ताकि आप मेरा एक भी अपडेट मिस ना करो। और गाइस प्लीज सपोर्ट, थैंक यू, जय हिंद।